अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, सरकारी मुलाज़मीन के हवाले से ताज़ा तरीन खबर शेयर करने जा रहा हूँ। हुकूमत ने दो बड़े फैसले किए हैं। एक, सरकारी मुलाज़मीन की पेंशन बंद की जाएगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन के हवाले से नई पॉलिसी लाई जाएगी। किन सरकारी मुलाज़मीन की पेंशन बंद की जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन के लिए नई पॉलिसी क्या होगी, इस सारी तफसील में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल नॉलेज जोन को विजिट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। नाज़रीन, सरकारी मुलाज़मीन की पेंशन हुकूमत पर बोझ बनने लगी। पंजाब हुकूमत अब पेंशन फ्री नौकरियां देगी। महकमा ख़जाना पंजाब ने पेंशन इस्लाहात पर मज़ीद वर्किंग शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराई में होने वाले इजलास में जहां दीगर मालियाती पॉलिसियों के बारे में जायज़ा लिया गया, वहीं पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से भी बहस हुई। महकमा ख़जाना पंजाब ने रेगुलर पोस्टों पर पेंशन फ्री भर्तियों की तजवीज़ दी है। पंजाब में सरकारी भर्तियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन की भर्ती को तरजीह दी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात मुलाज़मीन को सिर्फ तनख्वाह और अलाउंसेस दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल होने वाले मुलाज़मीन के लिए पेंशन पॉलिसी तब्दील होगी जिसकी बाकायदा काबीना से मंजूरी ली जाएगी। तो ये थी मेरे पास आज की ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन सरकारी मुलाज़मीन के हवाले से, जिसकी तफसील मैंने वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी दीजिएगा।